अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर कैसे जो है वो क्रिप्टो करेंसी को माइन करें। आज इस वीडियो में हम मोनेरो टॉपिक को कवर करेंगे, कैसे हम जो है मोनेरो को इजीली जो है वो अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर माइन कर सकते हैं विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड्स। एक्चुअल में तो जो है वो माइनिंग होती है ग्राफिक कार्ड्स पे, तो हम जो है बगैर ग्राफिक कार्ड्स आज की वीडियो में देखेंगे कैसे हम जो है वो माइनिंग कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल न्यू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने किसी भी वेब ब्राउजर में चले जाते हैं, और वेब ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे XMR RIG और सर्च करेंगे और XMRIG.com के ऊपर चले जाएंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात जो है वो क्लियर करता जाऊं कि ये हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट शेयरिंग वेबसाइट के थ्रू माइनिंग नहीं करेंगे। ये जो तरीका है ये आपकी ऑन माइनिंग है, मतलब कि जो आप माइनिंग करेंगे वो डायरेक्टली जो है वो आपके अकाउंट में जो है वो जाती रहेगी। एक लिमिटेड मतलब के अमाउंट जब हो जाएगी फिर उसके बाद आप किसी भी अपने वॉलेट में जो है इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट में आने के बाद जो है सिंपल आपने इसको जो है वो डाउनलोड करना है XMRIG को, ठीक है। और डाउनलोड पे क्लिक करना है आपने। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर मतलब कि ये XMRIG/6.16.3 GCC इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास है ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इस वजह से जो है वो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। चेक करने के बाद इस तरह का फोल्डर आपके पास आ जाएगा, इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है और यहाँ पे कुछ फाइल्स होंगी। और सबसे पहले जो है वो आपने जो करना है जी वो आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन जो आपने करनी है इसको हम कर देते हैं डिलीट, दोबारा से डाउन डोंट शो दिस अगेन पे क्लिक करके आई अंडरस्टैंड शो दिस लिंक पे क्लिक करना है और सिंपल डाउनलोड। ओके जी, ये हो गई है आपकी फाइल डाउनलोड। इसको आपने करना है ओपन, और ओपन करने के बाद आपने करनी है कुछ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने सिर्फ उस वेबसाइट पे जाना है, सिर्फ एक बार आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो आपको उस वेबसाइट पे आने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपने विजार्ड पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ऐड अ पूल। यहाँ पे आपने जो पूल सेलेक्ट करना है वो नैनो पूल सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपने अपना देना है वॉलेट एड्रेस, और हम यहाँ अपना वॉलेट एड्रेस दे लेते हैं। यहाँ से आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, मैं एशिया में हूँ तो मैं एशिया सेलेक्ट करूँगा।
ऐड अ पूल पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, ये आपका पूल ऐड हो गया। उसके बाद आपने बैकएंड को भी छोड़ देना है। बैकएंड में आपके पास सीपीयू है, तो हम सीपीयू पे माइनिंग कर रहे हैं विदाउट ग्राफिक कार्ड, तो सीपीयू को ऑन ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अगर आपके पास एएमडी का ग्राफिक कार्ड है तो ओपन सीएलआई को ऑन कर देना है। अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो आपने सीयूडीए को ऑन कर देना है। अभी फिलहाल हम इन दोनों को ऑफ रहने देंगे और सिर्फ सीपीयू पे माइनिंग जो है वो करेंगे। उसके बाद आपने आ जाना है मिक पे। यहाँ पे जी डिलीट का ऑप्शन है, मतलब कि जो भी आप माइनिंग करेंगे उसमें से 5% जो है आप उनको डिलीट करेंगे। परसेंटेज कह ले, जैसे मतलब कि हम शेयरिंग वेबसाइट पे जो है वो माइनिंग करते हैं लेकिन वो बाद में मिलती भी नहीं है, लेकिन वो अपना कमीशन भी ले लेते हैं और हमें हमारा प्रॉफिट भी नहीं देते। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ से आप अपनी मर्जी की परसेंटेज इनको डिलीट कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो है हम इनको 1% जो है वो डिलीट करेंगे हमारी माइनिंग में से, और नेक्स्ट हम चल जाएंगे जी रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स में जाने के बाद जो है आपके पास कुछ ये कोड आएगा, इस कोड को आपने कर लेना है कॉपी। वापस आपने चल जाना है अपने फोल्डर में एक्सएमएल रिग में, और यहाँ से आपने config.json फाइल को करना है डिलीट। ओपन विद नोटपैड कर लें आप उसको, ओके कर दें। जो ऑलरेडी कोड है इसको आपने कंट्रोल ए से स्ट्रक करके रिमूव कर देना है, और उस वाले कोड को पेस्ट करके सिंपल आपने इसको कर देना है सेव। ठीक हो गया। सेव करने के बाद इसको आपने कर देना है बंद, और सिंपल एक्सएम रिग को डबल क्लिक करके आपने कर देना है ओपन। तो जैसे ही ये ओपन होगा सो यानी आपकी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह का टर्मिनल सीएमडी टाइप जो है वो टर्मिनल ओपन होगा, और कुछ देर ही है यहाँ पे जिसको वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए लेगा, फिर आपकी जो माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल इतना सा काम है। अब आपको इस वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जब भी सिस्टम को ऑन करें और इसको जो है अपने काम के साथ साथ इसको भी चला दें, आपकी बैकएंड पे जो है वो माइनिंग भी होती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि जे जैसे सिस्टम ऑन हो और आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाए, तो सिंपल आप एक्सएम रिग को जो है मतलब कि उसको बैकएंड पे वो कॉन्फ़िगर कर दें ऑटो, मतलब कि स्टार्टअप पे जो है ना ये ऑटोमेटिकली रन हो जाए। उसके लिए कुछ भी नहीं है, स्टार्टअप सेटिंग्स में जाके आप इसको इस सॉफ्टवेयर को उसमें ऐड कर दें और ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑन पे जो है वो रन हो जाएगा। तो ये हमारी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस जो इसका रेडी आ गया है, और नीचे उसने भी प्रोसेसर की न्यू जॉब दे दी है, और जिसमें जी हमारे भी इस टाइम हैशेस रेट आ रहे हैं 14,433, और डिफरेंस है इसमें 48,000, 4,80,039। तो यहाँ पे न्यू जॉब है जहाँ पे एक्सेप्टेड आएगा वो आपके कुछ तोशी जिसको कहते हैं मतलब के पॉइंट लैंग्वेज में, वो आपके माइंड हो जाएंगे जब यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा जाएगा ग्रीन कलर में। तो अभी फिलहाल ये ने इसमें न्यू जॉब दे दी है कि जी प्रोसेसर को कि आप इसको जो है वो माइन करें, तो वो इसको माइन करने में लगा हुआ है। जैसे ही वो कुछ चीज़ माइन करेगा, कुछ पॉइंट्स माइन करेगा, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड आ जाएगा। इसी तरह ये चलता रहेगा निज़ाम। तो इसको आपने बस यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देना है, नीचे ये चलता रहे और आपकी जो है वो माइनिंग होती रहे। ठीक है, तो आज की हमारी ये वीडियो थी मैरो माइनिंग पे। नेक्स्ट इंशाल्लाह तमाम पॉइंट पे आज साथ साथ मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा कि जिसमें जो है आपको किसी भी शेयरिंग वेबसाइट पर ना जाना पड़े, ताकि वहाँ पे आप एक टाइम लगा के वहाँ पे कुछ ना कुछ माइंड करें उन्हें, तो वो आपको डिपॉजिट भी ना दें। तो उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को करना होगा ऑन, के आने वाली हमारी वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद